All right, good morning my dear students and warm welcome to this video session rapid revision part. तो आज के इस video session में बच्चों हम पढ़ेंगे chemical coordination and integration NCERT NEET volume 1 last topic number 22. और अगर आप state board की book से पढ़ रहे हैं तो state board में 12th में ये चैप्टर दिया है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का लास्ट हाफ राइट. बच्चों जैसे कि देखा है हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में न्यूरल सिस्टम में कैसा होता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर रैपिड कोऑर्डिनेशन. सो न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस फॉर रैपिड कोऑर्डिनेशन. एट द सेम टाइम न्यूरल रिफ्लेक्स इज वेरी शॉर्ट लाइव्ड एंड एज The nerve endings, neurons do not reach up to each and every cell. But the cellular functions need to be coordinated and regularized. तो cells के functions तो regular होने चाहिए, continuous होने चाहिए. उसके लिए जो system हमारी body में काम करती है, coordination करती है, that is chemical control and coordination through hormones. हॉर्मोन्स हर एक सेल तक जा सकते हैं और सेल में जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं. दो द न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी रैपिड और फास्ट द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन इज समवट स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग. इट टेक्स प्लस थ्रू हॉर्मोन्स. हॉर्मोन्स के जरिए पूरा केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन किया जाता है. तो हमारी बॉडी में दो सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, दैट इज न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. सो इन इंट्रोडक्टरी पॉइंट यू हैव टू नो दिस द न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली दोनों एक दूसरे के साथ में काम करते हैं, जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट ऑल द फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी. तो हमारी बॉडी में जितने प्रोसेस होते हैं, जितने फंक्शंस होते हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसिंग वन एंड द सेम है, लेकिन फिजियोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर का फंक्शंस, अलग अलग ऑर्गन के फंक्शंस, प्रोसेसिंग और फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं दो सिस्टम हमारी बॉडी में, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हॉर्मोन्स. बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने के पहले हमको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए व्हाट आर ग्लैंड्स, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रंथि. मतलब हमारी बॉडी के ऐसे सेल्स, टिश्यूज या ऑर्गन्स जो अलग अलग केमिकल्स रिलीज करते हैं, दैट आर कॉल्ड ग्लैंड्स. ग्लैंड्स को यहां पे मैंने डिफाइन नहीं किया है लेकिन मीनिंग आपको पता होना चाहिए. एनी सेल, टिश्यू और ऑर्गन इन आर बॉडी सिक्रीटिंग नंबर ऑफ केमिकल्स आर कॉल्ड ग्लैंड्स. बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स मोस्ट प्रोबेबली. हमारी बॉडी में वैसे तो काफी सारे अलग अलग ग्लैंड्स है लेकिन मेन क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो तीन हमारी बॉडी में तीन अलग अलग टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड मिक्स्ड ग्लैंड्स. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स मतलब बाह्य स्राव ग्रंथि. हमारी बॉडी के जो ग्लैंड्स अपना केमिकल बॉडी कैविटी में, बॉडी स्पेस में या तो बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, ब्लड में डायरेक्टली रिलीज नहीं करते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. जैसे मुंह में है सलाइवरी ग्लैंड्स, आंख में है लैक्रिमल ग्लैंड्स, नोज ईयर में है वैक्स प्रोड्यूसिंग और म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, और लीवर, एज यू नो लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी. तो जिन ग्लैंड्स में स्पेशल ऐसी लॉन्ग डक्ट होती है, ओपनिंग होती है, जिसके जरिए ये ग्लैंड्स अपने केमिकल या तो बॉडी के स्पेस में, कैविटी में छोड़ते हैं या तो बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, दैट आर कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. और सिक्रीशंस, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जो केमिकल्स बाहर आते हैं, दैट आर यूजुअली कॉल्ड एंजाइम्स. सो केमिकल्स सिक्रीटेड बाय एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंजाइम्स. वैसे ही हमारी बॉडी में होते एंडोक्राइन ग्लैंड्स, मतलब डक्टलेस ग्लैंड्स, जो ग्लैंड्स
की कोई डक्ट नहीं है, जिनका केमिकल डायरेक्टली ब्लड में जाता है, डिफ्यूज हो जाता है ब्लड के अंदर, दैट डक्टलेस ग्लैंड्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सो डक्टलेस ग्लैंड्स, ग्लैंड्स विदाउट डक्ट, दैट सिक्रीट देयर केमिकल्स, पोर आउट देयर केमिकल्स डायरेक्टली इन टू ब्लड are called endocrine glands, and these chemicals secreted by endocrine glands are called hormones. ये endocrine glands की chemicals को, secretions को हम बोलेंगे hormones. The word hormones means I excite, excitement. मतलब ये hormones जहां जहां पे जाते हैं वहां वहां पे stimulate करते हैं या तो inhibit करते हैं, वहां की प्रोसेस रेगुलेट करते हैं, टारगेट ऑर्गन के ऊपर ये काम करते हैं। हॉर्मोन्स आर आल्सो कॉल्ड केमिकल मैसेंजर्स, राइट, और इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स और ऑटोकॉइड्स। हॉर्मोन्स के अलग अलग मीनिंग है, राइट। हॉर्मोन स्टिमुलेट भी करते हैं, इनहिबिट भी करते हैं। ये ऐसे केमिकल्स है जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में से रिलीज होते हैं, डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, और ब्लड के थ्रू ये टारगेट ऑर्गन की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो इसकी क्लासिकल डेफिनेशन है, व्हाट इज द क्लासिकल। हाँ, आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, दो टाइप के अलग अलग डेफिनेशन है। देखो यहां पे क्लासिकल डेफिनेशन एंड करंट साइंटिफिक डेफिनेशन। हम लोग इस पे गौर ही नहीं करते हैं, काफी सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं, बट दीज इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन, जिसको हम बोलेंगे। तो ये लाइन्स में से क्वेश्चन पूछते हैं कि ये जो डेफिनेशन दी है ये क्लासिकल डेफिनेशन है या करंट साइंटिफिक डेफिनेशन है। या तो हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन क्या है, केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, केमिकल्स दैट आर सिक्रीटेड और प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दीज आर रिलीज्ड इनटू ब्लड। ये केमिकल्स कहां जा रहे, डायरेक्टली ब्लड में, एंड दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स। मतलब हार्मोन का, हर एक हार्मोन का अपना अपना स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन होता है। तो ये हार्मोन ब्लड के जरिए अपने अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके वहां पे अपना इफेक्ट दिखाते हैं। दिस इज द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स। सो वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। These are directly released into blood and they are transported to distinctly located target organs. Target organs पे इफेक्ट दिखता है hormones का। Hormones are like chemical messengers. These are also called primary messengers. These are also called information molecules. मतलब एक gland से अपनी information लेके messengers, हाँ, राइट, चिट्ठी 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 लेके जा कबूतर, जा जा जा, राइट। जैसे पोस्टमैन आते हैं, चिट्ठी लेके आते हैं, मतलब क्या, एक जगह का मैसेज लेके दूसरी जगह पे जाना, एसएमएस करते हैं ना आप मैसेंजर्स, वैसे ये हार्मोन्स क्या करते हैं, एक जगह की इंफॉर्मेशन, एक ग्लैंड्स की इंफॉर्मेशन लेके टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं, वहां पे वो इंफॉर्मेशन पहुंचा दे देते हैं, इंफॉर्मेशन वहां पे पुटअप करते हैं। नाउ करंट साइंटिफिक डेफिनेशन। अब ये हार्मोन्स के काफी सारे प्रॉपर्टीज है और वो प्रॉपर्टीज के हिसाब से डेफिनेशन में थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है। ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, हार्मोन्स डिफ्यूज इनटू ब्लड, इनटू वाटर, दे हैव वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी, ट्रेस अमाउंट बोलते हैं उसको, ट्रेस। जितना कम हार्मोन उतना स्ट्रांग इफेक्ट। हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं लेकिन उनका इफेक्ट जो होता है वो स्ट्रांग होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये मेन प्रॉपर्टी है हार्मोन की। हार्मोन्स अपने अपने टारगेट ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं। ये हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स का काम करते हैं। ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। इनका न्यूट्रिशन या तो इनका मेटाबॉलिज्म सेल के अंदर एनर्जी के लिए या तो अलग अलग पॉइंट्स को यूटिलाइज करने के लिए नहीं होता है। जैसे हार्मोन अपना मैसेज दे देते हैं, बाद में उनका वो मेटाबॉलिज्म हो जाता है, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, राइट। सो करंट साइंटिफिक डेफिनेशन, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स। वर्ड ध्यान में रखना, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर्स।
These hormones act as intercellular messengers. मतलब एक सेल का मैसेज दूसरे टारगेट ऑर्गन की सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है? हार्मोन्स. एंड दे आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट. ये हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं. जैसे हम लोग बोलेंगे ना, अगर कुछ पिन प्रिक हो गया या तो काटा लगा, काटा राइट पॉइंट, काटा अंदर चुभ गया, गड़ गया अंदर स्किन के अंदर, तो उसको अगर निकालना है तो क्या क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा? शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, काटने काटा काटने, राइट. वैसे हार्मोन्स जितना स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होगा, जितना इफेक्ट करेगा, वो लॉन्ग लास्टिंग और स्ट्रांग इफेक्ट होगा. तो ध्यान में रखना, दो हार्मोन्स आर सिक्रेटेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी, देयर इफेक्ट इज वेरी स्ट्रांग एंड लॉन्ग लास्टिंग. हार्मोन्स आर सिक्रेटेड एट वन प्लेस एंड दे शोज देयर इफेक्ट एट अनदर प्लेस, दैट इज at the target organ. The organ on which hormone act are called target organ. For example, एक hormone है thyroid stimulating hormone, जो pituitary gland से release होता है. नाम क्या है? Thyroid stimulating hormone, जो pituitary gland से release होता है. So these are various important properties of hormone. This hormone was discovered by William Bayliss and Stirling. ये दो scientist ने hormone discover किया. सबसे पहला, that is secretin. And the name or this term hormone was firstly given by E.H. Stirling. Stirling ये scientist ने सबसे पहले ये word ढूंढा hormone, जिसका मतलब निकला था वहाँ पे I excite, मतलब मैं जहाँ जहाँ पे जाता हूँ वहाँ वहाँ पे excitement create करता हूँ. These are the basic properties of hormones. So in this way, hormones and endocrine glands together constitutes this endocrine system.